राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी कोविड संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी और इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि NCDC दिल्ली से पंजीकृत की अनुमति मांगी है और इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन भी मांगी गई हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों जिसमें कि देहरादून श्रीनगर हल्द्वानी व अल्मोड़ा में प्रतिदिन 11,000 से अधिक RT-PCR टेस्टिंग की क्षमता है जबकि इन मेडिकल कॉलेजों में स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में प्रतिमाह 2,000 से अधिक जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता है। वर्तमान में 2 मेडिकल कॉलेज में संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। जल्द ही से अल्मोड़ा और श्रीनगर में भी संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लोगों से अपील यह है कि मास्क लगाना फिर से शुरू कर लें ताकि बचाव हो सके और वैक्सीनेशन कराएं। बाकी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर ध्यान दें, बार बार हाथ धो लें और सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं, वरना साबुन और पानी से भी हाथ बार बार धोए जा सकते हैं ताकि हमें इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम। चिंता की भी कोई बात नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य होता है। जल्दी ही अल्मोड़ा और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भी इसमें शुरू कर देंगे। अल्मोड़ा तो लगभग तैयार है और श्रीनगर से बात हो रही है तो ये हमारे मेडिकल कॉलेज भी इस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ पर बिग नाम सिक्वेंस शुरू हो जाएगी।